वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैरी पहाड़ी उत्तराखंडी। मैं हूँ सरदानंद सबका पति। वो सबका पति नहीं, सभापति होता है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल बाइक आई है दिल्ली में, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बहुत एलैबोरेट करके बताऊंगा कि क्या क्या फीचर्स हैं इसमें न्यू, ठीक है। और अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ठीक। सबसे पहले मैं इसका आपको बैजिंग दिखाऊँगा। ये इसकी रिवोल्ट की बैजिंग है, रिवोल्ट 400 बाइक है ये। थोड़ा सा क्लोज करके दिखाइए। दूसरा, सबसे पहले फिर मैं इसका आपको दिखाता हूँ हेडलैम्प। ये फुल्ली आपका एलईडी से वो है। मैं इसको थोड़ा सा जला के भी दिखा दूँगा आपको एक बार। ये देखिए, यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। फुल्ली रिमोट ऑपरेटेड है बाइक। देखिए, ऐसा लगेगा जैसे कार का रिमोट है, लेकिन ये कार का नहीं, ये इस बाइक का रिमोट है। दोनों व्हील्स में आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। दोनों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है आगे पीछे दोनों तरफ। मोनो सस्पेंशन है और आगे का जो सस्पेंशन है बहुत ही लाजवाब है और देखने में भी ऑल ओवर स्पोर्टी लुक में आती है ये बाइक। और सबसे अच्छी जो बात इसमें मुझे लगती है वो है जो इसकी चैन है, वो रबर बेस है, जैसे हार्ले डेविडसन में आती है उस तरह की। थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएंगे चैन को। ये हमारा डीएल नंबर है, थोड़ा डीएल नंबर भी दिखा दीजिए हमारा। अब आते हैं इसके फीचर्स के बारे में। सो गाइस, ये 4 घंटे में फुली चार्ज होती है और कम से कम नहीं तो आपका 100 से 125 किलोमीटर चलती है अगर आप इसको इकोनॉमिकल उसमें चलाते हैं, स्पीड में जैसे 40 to 50। और अगर फुल स्पीड में चलाते हैं जैसे 80, वैसे मैक्सिमम जो इसकी टॉप स्पीड अभी तक मैंने चलाई वो 80 चलाई है। और अगर आप 80 पे चलाते हो तो समथिंग ये जाएगी आपकी 70 से 80 किलोमीटर, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लोज नहीं चाहिए, मैं इसकी स्पेसिफिकेशन आपको दिखा दूँ। सबसे पहले हम आपका उसको स्पीडोमीटर दिखाते हैं। ये आपका स्पीडोमीटर है, ये इसका स्पीडोमीटर है। देखिए, दोनों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। ये इसका पावर ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से भी आप पावर ऑफ पावर ऑन कर सकते हैं। और इसमें एक अच्छी बात और है, इसमें क्या है कि आपको 3 स्पीड का वो मिलता है एक्सीलरेटर। 1 लो वाला और 2 मीडियम वाला, 3 हाईएस्ट वाला। ये स्पीड है इसकी कि आपको कितनी स्पीड पे चलाना है। और तीसरा जो इसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसकी है हार्ले डेविडसन वाली आवाज़। इसमें एक स्पीकर लगाया गया है, इसकी आवाज़ नहीं होती साइलेंसर क्योंकि नहीं है। इसमें एक स्पीकर यहाँ लगाया गया है, जैसे ही हम इस बटन को ऑन करते हैं यहाँ से और हम एक्सीलेटर देते हैं तो इसमें से आवाज़ आती है हार्ले डेविडसन, जो बहुत ही कूल साउंड करता है गाइस। तो अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं, यहाँ से भी ऑफ कर देते हैं। और अब हम इसको आपको चला के दिखाएंगे कि ये कैसे चलने में कितनी स्मूथ है। देखिए गाइस, हम इसको चला के आपको दिखाऊंगा। और सबसे पहले इसका जो मैंने स्टैंड वाला बताया था आपको, देखिए अभी मैंने इसकी ऑन है गाड़ी और मैंने एक्सीलेटर पूरा दे रहा हूँ लेकिन नहीं जा रहा है। जैसे ही मैं इस स्टैंड को ऊपर करूँगा ये रेडी टू गो हो जाएगी। ये देखिए, चलाने में देखो स्मूथ तो है, बहुत स्मूथ है। और पिकअप भी इसका काफ़ी अच्छा है। और इसके जो दूसरे सेफ्टी फीचर्स मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें सेफ्टी फीचर्स क्या आते हैं, इसमें क्या है कि अगर हम इस गाड़ी को लॉक कर देते हैं और हैंडल लॉक करना भूल जाते हैं तो इस गाड़ी में ऐसा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है या ऐसा सिक्योरिटी वो दी गई है
कि अगर जैसे कोई चोर वगैरह इसको चोरी करना चाहे और अगर इसको ऐसे करके ले जाएगा तो इसके ऑटोमेटिकली जो व्हील्स है वो लॉक हो जाते हैं। अगर ये गाड़ी जैसे मान लो हमने ये लॉक कर दी यहाँ से, अब ये गाड़ी लॉक है लेकिन हमने इसका हैंडल लॉक नहीं लगाया। ये देखिए इसको आपको बंद करके दिखाते हैं, ये देखिए ये बंद हो गई। अगर आप कोई चोर इसको अगर हमने हैंडल लॉक नहीं किया है और कोई चोर इसको चोरी करने की सोचता है और हम कहीं पे थोड़ी दूर खड़े होते हैं या ध्यान नहीं रहता है हमें कि हमने हैंडल लॉक किया है या नहीं किया है और कोई चोर इसको ऐसे करके ड्रैग करके ले जाना चाहेगा तो इसमें ये देखो थोड़ा सा बीप करती है साउंड, जैसे अगर विदाउट इसको स्टार्ट करे हुए लेके जाएगा। देखिए थोड़ा पास आके दिखाइए, बीप का साउंड नहीं आएगा। अब धीरे धीरे इसके जो व्हील है वो लॉक हो जाएंगे, ये देखिए ये अब आगे को नहीं बढ़ रही है बिल्कुल, तो इसको कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। अब पीछे भी करके देखिए, ना ही पीछे जाएगी ना ही ये आगे जाएगी, ये देखिए। तो ये जो सिक्योरिटी फीचर है लाजवाब मेरे ख्याल से, ठीक है। जब तक हम इसको अब अनलॉक नहीं करेंगे तब तक ये ऐसी बीप करता रहेगा, ठीक। एक ये वाला सिक्योरिटी फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका। दूसरा इसमें हम आपको हैंडल लॉक बता देते हैं कि इसका जो हैंडल लॉक होता है वो इधर से होता है, जैसे बुलेट में होता है इस तरीके से, ठीक है सर। और दूसरा मैं आपको बताऊँ इसमें जो बैटरी डलती है वो जहाँ पे हमारा दूसरी बाइकों में पेट्रोल डलता है वहाँ पे इस पर बैटरी डलती है आपकी इस डिक्की में। ये इसकी डिक्की है बैटरी वाली, बैटरी वाला कंपाउंड है, ठीक है, कंपार्टमेंट है। और दूसरा मैं आपको इसके बारे में और क्या बताऊँ दूसरा, लेकिन जो इमैच्योर बंदे हैं जो इसको स्टार्टिंग में चलाएंगे उनको ये बाइक थोड़ी सी अटपटी लगेगी, क्योंकि जो इसका इनिशियली वो होता है एक्सीलेटर देते हैं तो एकदम से ये जर्क देती है काफ़ी, जैसे हमारा टुक टुक वगैरह चलते हैं बैटरी के या फिर हम स्कूटी वगैरह चलाते हैं। लेकिन इसका जो इनिशियली पिकअप है वो बहुत धासू है, मतलब नॉर्मल जो हमारी प्लैटिना हो गई बाइक हो गई उनसे काफ़ी तेज़ है, फास्ट है। तो गाइस ये हमारी रिवोल्ट 400 बाइक, और इसका ये चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे आप चार्ज लगा के इसको चार्ज कर सकते हो। मैक्सिमम आप 4 आवर्स में इसको फुल्ली चार्ज कर सकते हैं, इसके साथ एक चार्जर आपको फ्री मिलता है। और अगर आप बाहर दोबारा से अगर वो चार्जर ख़राब हो जाता है तो आपको कम से कम नहीं तो 8 से 9 हज़ार रुपये का वो चार्जर पड़ता है, और कम से कम इसकी 2 साल की वारंटी है बैटरी की। और ये थोड़ा सी मैं इंडिकेटर की तरफ भी करना चाहूँगा, इंडिकेटर इतने इसके शार्प दिए हुए हैं, देखिए मैं आपको इंडिकेटर चला के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप स्पीडोमीटर, सबसे पहले मैं आपको इसका स्पीडोमीटर दिखाऊंगा किस तरीके से चलता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें आपको बैटरी का लेवल दिखाया जाएगा और कितनी बैटरी में कितना चलेगी वो दिखाया जाएगा, और इसमें आपको स्पीड दिखाई जाएगी कि आपने कौन सी स्पीड पर रखी हुई है, 1, 2, 3, ठीक है। और आपको टेम्परेचर भी ये दिखाता है और स्पीड वगैरह सारा कुछ आपको ये शो कर रहा है। दूसरा आपको अब मैं इसके इंडिकेटर दिखाना चाहूँगा, देखिए कितने LED वाले लगे हुए हैं इस पर इंडिकेटर, काफ़ी कूलेस्ट जिसे कहेंगे। और इसके जो ये लाइट है हेडलाइट, इस पर देखिए रिवोल्ट की जो वो जलती है बैजिंग वो भी काफ़ी लाजवाब है। अब हम इसको ये देखिए इसका अब लेफ्ट वाला इंडिकेटर चल रहा है। अब थोड़ा सा इसका बैक प्रोफाइल हम आपको दिखाएंगे कि इसकी टेल लाइट कैसी है। टेल लाइट का देखिए काफी डैशिंग लाइट है, तो गाइस ये थी हमारी रिवोल्ट 400 जो हमने अभी दिल्ली में इसको खरीदा है। और ये का जो स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताए हैं वो कैसे हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको। थैंक यू गाइस।